हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जहां पर भी होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता ही होगा कि दरोगा का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि अधियाचना JSSC को भेज दिया गया। अभी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों, इसी महीने के अंत तक देखिएगा, आपको JSSC का सारे एग्ज़ाम कैलेंडर देखने की जरूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और एक और बात हम लोग करेंगे कि तानाशाह सरकार का नियत हम लोग बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा JSSC और JPSC का कोई भी अपडेट पाने के लिए। अगर JSSC CGL के स्टूडेंट होंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर 3 का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। पेपर 3 का पूरा सब्जेक्ट, ठीक है, पूरा जितना पेपर 3 पूरा जितना भी सब्जेक्ट रहता है, सारे चीज़ का तैयारी करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर ही है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा दोस्तों, आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक और एग्जाम ओरिएंटेड काम कराया जा रहा है, जो कि आपको देख के मज़ा ही आ जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। अब तैयारी करें तो बढ़िया से कीजिए दोस्तों, ठीक है, थोड़ा बहुत करने से फ़ायदा है नहीं। चलिए, इसलिए चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो, देख लो, 946 पदों पर बहाली आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा दोस्तों। ये सब चीज़ भेज दिया गया है, पूरी डिटेल बात नहीं करेंगे। देख लीजिए, 946 पद है और ये प्रस्ताव को भेज दिया गया JSSC की तरफ में। और आदिवासी शुरू करने का विज्ञापन प्रतिशत अभ्यर्थी के लिए आवेदन करना माना जाएगा, जो भी है। तो ये अखबार में आया हुआ ये चीज़ भेजा गया है, ठीक है। तो फॉलो अप में भी जिक्र किया गया था इसको, तो कहीं ना कहीं सही बात है ये। और 946 पद है तो अच्छा है दोस्तों। तो आप लोग इसमें करते, आपको पता ही चल गया इसके बारे में क्या होगा। पहले आपको दौड़ होने वाला है, ठीक है, इसमें पहले दौड़ होगा फिर एग्जाम होगा। तो आप लोग दौड़ का तैयारी कर सकते हैं। एक बार इसमें दौड़ निकल जाएगा ना तो एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा आराम से? क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम हुआ था ना दरोगा का पिछले बार 2017-18, सारा क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ, सिर्फ प्रीवियस से पूरा 15-20 सेट पड़ा हुआ, ठीक है। वही सब क्वेश्चन आपको देखने को दरोगा मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है और ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन बनेगा, CGL में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, ग्रेजुएशन लेवल का ही। इसलिए आप लोग तैयारी जोर शोर में बना कर रखिए, अपना दौड़ शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, हम देख रहे थे कि 2017 वाला जो वैकेंसी आया था दरोगा वाला, मतलब अजीबोगरीब फास्ट चल रहा था वो। मतलब जुलाई में देखे थे उसका, कब? जुलाई में देखे थे सर, हाँ, जुलाई में नोटिफिकेशन, मतलब फॉर्म भरा खत्म, अगस्त में उसका एडमिट कार्ड आ गया। तो सोचिए, इतना फास्ट हो गया था, लड़का लोग सोचा भी नहीं था इतना जल्दी हो गया था। तो हाँ, कुछ लोग बोलेगा कि सरकार उस समय कोई अलग था, हो सकता, मान रहे हैं आपकी बात कि सरकार उस समय कोई और ही था, अभी कोई और है। लेकिन कुछ नहीं कह सकते ना, क्या पता इसमें भी वैसे कुछ आ जाए। क्या पता CGL का नोटिफिकेशन निकले 10 दिन के बाद और तुरंत एक महीना का डेट दे, फिर एक महीना 15वें दिन में आपको एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन आ जाए, एडमिट कार्ड निकाल दे, तो क्या कर लीजिएगा फिर आप लोग? मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, चलिए कि 25 अप्रैल तक आपको मान लीजिए नोटिफिकेशन आता है, 25 अप्रैल से 25 मई तक फॉर्म भरवाता है मान लीजिए, और लास्ट जून तक एग्ज़ाम ले लेगा, तो क्या कीजिएगा फिर आप? तो इसीलिए बार बार आपको बोल रहे हैं कि तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए जो भी है, क्योंकि तो चल रहा है, ठीक ठाक से चल रहा है, बाकी देखिए कब क्या होता नहीं होता से। और एक बात दोस्तों, कि आपका जो कैलेंडर एग्ज़ाम का है, वो सारे JSSC जितने भी एग्ज़ाम लेने हैं, मतलब जितने वैकेंसी किए थे, उसका सारा एग्ज़ाम कैलेंडर जल्द निकलने वाला है, ठीक है, निकल लेगा। उसके बाद सबकी प्रक्रिया को में तेजी लाया जाएगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा आपको, देखिएगा ना। और दरोगा का नोटिफिकेशन देखिए, भेज तो दिया है, आप देखते हैं 10 से 15 दिन के अंदर हमें लगता है कि नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि भेज देने के बाद इतने दिन लेता है समय, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। हालांकि CGL का भी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि जैसा कि पता है कि सब तरह की वैकेंसी, उसके जो वैकेंसी JSSC को नहीं गया, इसलिए नहीं निकाल पा रहा है। एक दो का गया, उसमें 4-5 पोस्ट था, सारे पोस्ट का आएगा जब अधियाचना चला जाएगा वहाँ, तभी विज्ञापन जारी करेगा उसका। तो देखते हैं कब जाता है। और सीट हमें लगता है जहाँ तक कि बढ़ना है CGL में, नो डाउट बढ़ेगा, पहले से कदम तुलना में सीट बढ़ना है, ठीक है। सरकार को खुश भी तो करना है जनता को, तो बढ़ रहा है और इसका वैकेंसी आ ही रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, कि तानाशाह सरकार जो दिशा देखने को लग रहा था वही है। हालांकि देखिए, 17-18-19 तारीख को प्रोटेस्ट झारखंड में बहुत बड़ा तरीके से, और बंदी 19 तारीख को रखा गया पूरे झारखंड को, उसे देखते हुए रिजल्ट इसका क्या देखने को मिलता है 20 तारीख तक पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह सरकार का रवैया है दोस्तों, 60-40 पे ही गाड़ी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है, ये चेंज नहीं करने वाला दोस्तों, क्योंकि इसके पास समय ही नहीं बचा जैसा कि लग रहा है। आप देख ही रहेंगे कि जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान पर उस पर कार्रवाई किया जा रहा है, लेटर नोटिस भेज के, जितने बड़े बड़े हैं और बात रखे छात्र नेता जो लीड करते इस आंदोलन का, उन लोगों को जबरदस्ती पकड़ के घुसाया जा रहा है। तो मतलब समझ सकते हैं कि कितना क्या चल रहा है, क्या मतलब। उन लोग देखिए, JMM वाला सीधा बोल देता है कि इन लोग कांग्रेस का आदमी, सीधा बोल देता है, कोई सोचता उचता नहीं, सीधा बोल देता है कांग्रेस का ही आदमी है ना। तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, अब देखते हैं 17-18-19 तारीख को क्या बीतता है। जरूर जाइएगा दोस्तों, यदि आप सफलता मिलती है तो आप ही को फायदा होगा, कंपटीशन कम होगा, और अच्छी बात है कि धांधली से कम देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि 60-40 के बाद तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी हो जाता है ना कि जो भी एग्ज़ाम होगा फेयर तरीका से होगा तभी होगा, न था दिक्कत कर सकते हैं हम लोग। तो वो चीज़ भी कोई डिमांड नहीं रख रहा है, बस खाली 60-40 बोल रहा है। तो ये चीज़ भी पॉइंट रखना चाहिए था कि जो जितना भी एग्ज़ाम होगा फेयर तरीका से होना चाहिए,
आपको ध्यान देने होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे के बाद एग्ज़ाम हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ डिमांड रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर जो भी है, तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, तो करते रहे। देखिए सफलता तो मिलना ही मिलना दोस्तों, आप लोग क्या होता है घबरा जाते हैं, बार बार पूछते हुए नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन या, तो हमें बोलने से क्या हो जाएगा दोस्तों। अभी नोटिफिकेशन जैसे दे ही नहीं रहा है, अब पता चल रहा है कि वहाँ पे आदि आचना ही मतलब क्या बोलते हैं, सारा विभाग का नहीं गया, तीन विभाग का चला गया सुनते हैं, एक दो विभाग बच रहा है। तो आपको चार पाँच पोस्ट था ना आपको सीजीएल में, अच्छी बात है कि आपको सीट बढ़ के आएगा इस बार, 100% बढ़ के आएगा सीट, टेंशन मत लीजिए। आप लोग तैयारी करते रहिए। और देखिए पुलिस दरोगा अभी आ ही गया, दौड़ कर लगाते रहिए, पुलिस का भी आ ही जाएगा, ठीक है। अरे सब नियुक्ति एग्जाम सारे होंगे, ये मत सोचेगा कि फॉर्म भरा के चुपचाप, नहीं दोस्तों फॉर्म नहीं भरा के चुपचाप, आदि नोटिफिकेशन निकल रहा था, एग्ज़ाम ले के रिजल्ट देगा इसका, 100% देगा, देखिएगा इसको, क्योंकि इसको चुनाव में मुद्दा बनाना है। आप लोग समझ सकते हैं, बच्चे तो है नहीं, ठीक है, समझदार ही हैं, समझ सकते हैं आप लोग, आप भी उस जगह पर रहते हैं तो वही काम करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम ले के दिल खुश करके चुनाव मुद्दा बजाते हैं, और आप डंके की चोट पर बोलते हैं कि देखिए हमने इतना नियुक्ति दिया, JPC कराया, ये कराया, वो कराया, ताकि अपना दिल जीत सके। और अच्छी बात है दोस्तों, यदि ले लेता है एग्ज़ाम तो भाई लड़का लोग सच में खुश हो जाएगा, जो एग्ज़ाम ले के ज्वाइनिंग दे देता है तो लड़का लोग सच में खुश हो जाएगा, चाहे PGT का हो, चाहे लेबर असिस्टेंट का हो, चाहे JEE का हो, चाहे CGL का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे और भी जितने भी उत्पाद सिपाही जितने भी हैं, आदि सबके एग्जाम लेकर जल्दी जल्दी कर देता है तो सच में लड़का लोग खुश ही जाएगा, ठीक है। और वो अरे सब खुश करने में सरकार को पता है कैसे खुश किया जाता है, वो कर देगा, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोग एज ए बड़े भाई के नाते वही यही बोलेंगे दोस्तों, प्रोटेस्ट करना तो करते रहिए, कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में मत छोड़िए, क्योंकि दोस्तों आपका मेहनत बेकार चला जाएगा, हो सके 3 साल का मेहनत आपका पानी में फिर जाए, इसलिए हम बार बार बोलते हैं पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, और अपना हिसाब से पढ़ते पढ़ाई तो करना ही करना। और जितने भी चीज़ हम दे रहे हैं यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, Paper 3 का पूरा जानिए रहे हैं कि इकोनॉमी से लेके कंप्यूटर से लेके झारखंड जी के सेंट्रल जी के करंट अफेयर, झारखंड का करंट अफेयर, फिर मैथ रीजनिंग अभी स्टार्ट करेंगे आज से, आज शाम या कल से स्टार्ट वीडियो आ जाएगा आपका, बताइए सब चीज़ आपको Paper 3 में करवा दे रहे हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड बोलें, ऐसा चीज़ आपको नहीं मिलने वाला, आप कहीं भी कोचिंग में जा कर लीजिए, नहीं मिलने वाला, ठीक है, इस एग्जाम ओरिएंटेड जितना हम चीज़ दे रहे हैं। हालांकि कोई लेता नहीं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, खैर कोई नहीं, जितना लोग दे रहे हैं वही लोग काफ़ी है, उतने सिलेक्शन हो जाए काफ़ी है, ठीक है। तो बार बार बोलते इसलिए देखा कीजिए, ठीक है, मैं देखते हैं क्या होता है, 17, 18, 19 तारीख प्रोटेस्ट है, उसका रिजल्ट क्या देखने वाला है। हालांकि छात्रों को तो पकड़ रहा, अभी से पकड़ा जा रहा है, रूम पे बैठा उठा 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 लिया जा रहा है उन लोगों को, पता नहीं क्या ही मतलब, प्रोटेस्ट तो करना गलत थोड़ी है यार, अपना बात तो रख ही सकता है, ठीक है। JMM सरकार, जब JMM झारखंड अलग हुआ था तो कैसे हुआ था, प्रोटेस्ट तो हुआ था, ऐसे थोड़ी ना, शिबू सोरेन जी को नहीं पता है कि प्रोटेस्ट क्या होता है, लेकिन चलिए शिबू सोरेन जी है नहीं, उसका तो पुत्र है तो कुछ नहीं बोल सकते भैया, ठीक है। तो जो भी है अब जो करे वही करे भैया, हम लोग क्या ही कर सकते, बताइए आप। अब जो जाता है लाठी पड़ जाता है उसको, गलत बात है इस तरह का, बात आंदोलन तो होना ही चाहिए भाई, बात नहीं रखेगा तो कैसे होगा फिर। आप सुन नहीं रहे, आप सुनते हैं तो आपका जो मूर्ख नेता लोग ये बोलता है कि हम लोग जल्दी हम लोग बाद में छाट लेंगे, बारे को नहीं जाएंगे आने, उसके बाप का राज है क्या, जब बोले ऐसे छाट कर ऐसे छाट देगा वो, एग्ज़ाम हो गया मान लीजिए बाहरी लोग का, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का 50 लड़का का हो गया, तब कैसे छाट दीजिएगा उसको, हैं, आपका बाप का राज नहीं चलेगा जो छाट दीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम दिया ऐसे हो गया तो सिलेक्शन देना ही पड़ेगा उसको, ये सब बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए सरकार जी, नेता जितने भी हैं उसको, सब मंत्री लोग नेता लोग बुर्वक पड़े हुए हैं वहाँ झारखंड में, जो मन आता सो बोल कर निकाल देता है, ठीक है, कुछ सोचता समझता नहीं, कुछ पता ही नहीं, उसका आइडिया नहीं, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा रहेगा तभी तो पता चलेगा, कुछ भी बोल कर निकल जाता है, ठीक है। छात्र खुश हो जाते हैं, अरे वाह क्या बात बोला, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा है दोस्तों, गलत चीज़ में हवा क्या बोलते हैं, हवा ही ज़्यादा होता है, सही चीज़ में ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। खैर जो भी है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से मतलब है नहीं दोस्तों, बस हमें यही कहना है कि कैलेंडर देखिएगा, जल्दी देखने को मिलेगा आपको, इधर का नोटिफिकेशन चला गया है तो आ सकता है 15-20 दिन के अंदर आ सकता है इसका, और तानाशाही सरकार का 60 अभी मांगे चलिए 60-40 करके, बाकी आगे हो जाता है अच्छी बात है, लेकिन मांगे तैयारी करते रहिए और क्या, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।